हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग दो सवाल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा सेम है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है जी, व्हाट इज द क्वेश्चन बोथ ऑफ यू? बेटा लुक हियर, इट सेज फाइंड द रेडियस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। आपने क्या मालूम करना है? रेडियस मालूम करना है इन दोनों सर्कल्स के लिए। ठीक है, तो इनमें से एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ऑब्वियसली सेकंड वन यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। आई विल लेट यू नो हाउ यू विल हैव टू सॉल्व इट। ओके बेटा, इधर देखिए। ओके, नाउ सॉल्विंग दिस वन, इधर जरा गौर कीजिएगा बेटा। ये जो सवाल है इसमें उसने आपको एरिया दे दिया सर्कल का, एंड व्हाट ही हैज गिवन यू द एंगल ऑफ द आर्क, एंड ही हैज टोल्ड यू टू फाइंड द रेडियस। तो ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। मुझे बताइए एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला किसको याद है? बताइए क्या है बेटा? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द एंगल ऑफ द आर्क एक्स डिवाइडेड बाय। लवली, अंडरस्टूड? दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ हियर व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए ये 360 राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है बेटा? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा? तो ये हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ अ सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 360। अच्छा, आप आगे गौर करें, यहां पर ये x डिग्रीज क्या हो रहा है बेटा? लेफ्ट पे आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा आगे देखिए बेटा, यहां पर देखिए, अगर आप ऑन द राइट, पाई जो है वो क्या हो रहा था? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था। लेफ्ट पे लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। यानी ऑल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, द रेडियस स्क्वायर, है ना। और हमने ऐसा क्यों किया? चूंकि जो अननोन है उसको हमने इक्वल टू के एक साइड पर रख लिया, इक्वल टू के एक साइड पे रख लिया, और बाकी सारी टर्म्स को हमने दूसरी साइड पर। बात समझ आ रही है बेटा या नहीं आ रही? बेटा देखें, ये 360 डिवाइड हो रहा था राइट पर, लेफ्ट पे आके क्या किया? मल्टीप्लाई। ये एक्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट पे आके क्या होगा? ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट पे आके क्या होगा, है ना। और यहां पर ऑन द राइट यू आर ओनली लेफ्ट विद आर स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया बेटा? अच्छा जी, नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज। मैं अभी यहां पर हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था ना यहां इस पे, तो ये आर स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ द सेक्टर, कितना है बेटा? 114 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय एक्स पाई। एक्स कितना है बेटा? द एंगल ऑफ द आर्क कितना है बेटा? 150 मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो इसका बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है? 859.5। अच्छा, मैं इसको एक बार मैं भी इवेलुएट कर लेता हूं बेटा, किस तरह इवेलुएट करेंगे? 114 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है जी। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 150 पाई। तो बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 87 बेटा, 87.089। तो आई कैन जस्ट राइट 87 बेटा, 87 इसका आंसर आ रहा है ना, 87 आ रहा है। ओके, अब चूंकि आपको आर स्क्वायर तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आप क्या करेंगे दोनों साइड्स पे? आपको पता है बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया आपके पास 87, तो इसका स्क्वायर आर का कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उसके बाद बेटा आर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी आर विल बी इक्वल टू, रेडियस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 87। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 9.32। दिस इज द रेडियस। अरे बात समझ में बेटा, दिस इज द रेडियस। अब ये हो गया ए पार्ट का आंसर बेटा। बी पार्ट किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। इधर जरा गौर कीजिएगा, थोड़ी सी ट्रिक है यहां पे। क्या है ट्रिक? है जो इन्होंने बी पार्ट दिया है
उसमें भी रेडियस मालूम करना है, बट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर दिया है उसने आपको, तो आप एंगल कौन सा यूज करेंगे, वो भी एरिया भी आप मेजर सेक्टर का यूज करेंगे, और वो कौन सा एरिया, एंगल कौन सा होगा बेटा, ये एंगल होगा ना, दिस इज द मेजर मेजर सेक्टर, तो आप एंगल भी मेजर सेक्टर का यूज करेंगे। अब वो कितना होगा, तो टोटल एंगल कितना है बेटा, एक सर्कल का टोटल कितना एंगल बेटा, 360, तो आप क्या करेंगे बेटा, 360 से ये 66 माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया बेटा, 290, तो ये आपके पास आ गया द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। अब सेम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम है आपको, आपको 360 कांस्टेंट वैल्यू है, एंगल कितना है बेटा 294, और पाई की वैल्यू भी यू नो दैट, तो इन द सेम मैनर यू कैन सॉल्व द बी पार्ट, अंडरस्टूड। नाउ मूविंग ऑन, इधर जरा गौर करें, अब जो ये अगला सवाल है बेटा, इसके अंदर क्या कह रहा है, बी पार्ट कर लेंगे बेटा, आप लोग भी बी पार्ट सॉल्व करें, और अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल आंसर इट इंशाल्लाह। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है, कहता है डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 18 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 18, इसका मतलब ये है बेटा, इधर गौर करें, अगर ये एक सर्किल है, इफ दिस इज अ सर्किल, तो डायमीटर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस टू अनदर पॉइंट पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, है ना। अगर इस पूरे की लेंथ कितनी है, अगर इस पूरे की लेंथ 18 सेंटीमीटर है जो कि सवाल में बताई गई है, तो मुझे बताइए रेडियस कितना होगा इसका, हाफ होगा, रेडियस कितना होगा बेटा, हाफ ऑफ इट, यानी 18 अपॉन 2 विच इज 9, तो यानी इसका रेडियस कितना बता दिया उसने आपको, तो हमें रेडियस मिल गया, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहता है, फाइंड एंगल, तो हमें मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है, एक्स यानी एंगल ऑफ द आर्क इज अननोन, सबसेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेक्टर हैविंग एरियाज, यानी आपको एरिया दिया गया, आपको क्या दिया गया, एरिया दिया गया है और आपको रेडियस दिया गया है, क्या मालूम करना है, एंगल। तो फॉर्मूला दोबारा क्या यूज होगा, अगेन एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो। अब आप देखे ना, हाँ जी बिल्कुल, जैसे इस सवाल में आपने रेडियस मालूम किया, इस सवाल में आप एंगल मालूम, अब जरा गौर कीजिएगा दोबारा से, इधर बेटा गौर करें, मुझे बताइए एरिया ऑफ अ सेक्टर किसके बराबर है बेटा, पाई आर स्क्वायर टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय 360, यही बताएंगे बेटा, यही फॉर्मूला है। अब आपको एक्स मालूम करना है, इसको यहां छोड़ दीजिए, बाकी सब टर्म्स को कहां शिफ्ट कर दें, ऑन द लेफ्ट साइड, तो मुझे बताइए x डिग्रीज बराबर आ जाएगा, ये 360 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ अ सेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरी वैल्यू पाई आर स्क्वायर ऑन द राइट मल्टीप्लाई हो रही थी, लेफ्ट पे आके डिवाइड, तो ये पाई आर स्क्वायर कहां आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो समझिए बात को, आप कर क्या रहे, यू आर बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द फंक्शन, सॉरी द गिवन फॉर्मूला इन सच अ वे कि आप कोई भी वैल्यू अननोन मालूम कर सको। जैसे अगर एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है तो आप रेडियस भी उसमें से मालूम कर सको, उसमें से आप एंगल भी मालूम कर सके और एरिया ऑफ द सेक्टर भी मालूम, बाय जस्ट शिफ्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू, आ रही बात समझ में, ये फॉर्मूला समझ आया किस तरह बन गया, है ना, ठीक है। अब सिंपली इसमें क्या कर देनी है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, इसका मैं ए पार्ट कर रहा हूं पहले, ओके, एरिया कितना है बेटा 42.6, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 9, 9 का स्क्वायर हमें पता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, 9 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 81, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताइए जरा क्या आ जाएगी, शाबाश शाबाश, बहुत इजीली आप इवेल्युएट कर सकते हैं, 42.6 टाइम्स 360, अच्छा जी 42.6 टाइम्स 360
अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 81 पाई 60.3। क्या आ रहा है आंसर बेटा? 60.3। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा? द एंगल ऑफ द आर्क। तो आप देखें, अगर आपको एरिया मालूम है और आपको रेडियस मालूम है ना, रेडियस मालूम है, आप एंगल मालूम कर सकते हैं। अगर आपको एरिया मालूम है और आपके पास एंगल मालूम है, आप रेडियस मालूम कर सकते हैं, है ना। तो यू कैन इन दिस वे सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस, फाइंड डिफरेंट अननोन वैल्यूज। व्हेन टू ऑफ देम आर गिवन, यू कैन फाइंड द थर्ड वन, है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसका बी पार्ट मैंने आपके लिए स्किप कर दिया कि आप सॉल्व करेंगे, और इन द सेम मैनर इस क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप बी पार्ट सॉल्व करेंगे। दिस इज फ्रॉम द बुक B3, पेज नंबर 311, एंड द टॉपिक इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल हो जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।